वो स्टोरी इंग्लिश में सुनाऊंगी। एक वुडकटर की एक्स पानी में गिर जाती है। वुडकटर रोता है कि अब मैं क्या करूंगा। फिर और फेरी अपेयर्ड इन द रिवर। एक फेरी पानी में से आती है, जिसे हम जलपरी कहते हैं। और फेरी अपेयर्ड इन द रिवर होल्डिंग अ गोल्डन एक्स। वो फेरी ने गोल्डन एक्स पकड़ी होती है। द द वुड कटर रिफ्यूज टू टेक इट। वुड कटर उसे नहीं लेता। वो फेरी फिर से पानी के अंदर जाती है और वो सिल्वर एक्स लेके आती है। द वुड कटर अगेन रिफ्यूज इट। फिर से वो एक्स नहीं लेता। तो Then the fairy took his iron axe. उसके बाद वो फेरी उसकी आयरन एक्स लेके आती है और वुड कटर उसे ले लेता है। फेरी वाज हैप्पी। फेरी हैप्पी होती है। फेरी उसे सारी 3 एक्सेस दे देती है। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज ऑलवेज द मोरल। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये स्टोरी इंग्लिश में सुनाऊंगी। वंस अ वुड कटर रेक्स फेल इनटू द रिवर। ही बिगेन टू क्राई। द फेरी अपीयर्ड इन द रिवर होल्डिंग अ गोल्डन एक्स। द वुड कटर रिफ्यूज्ड टू टेक इट। देन द फेरी टुक हिज टुक द सिल्वर एक्स। The woodcutter again refused it. Then the fairy took his iron axe and he took it. Then the fairy was happy. She gave him all the 3 axes. The moral of the story is always speak. The moral of the story is this is the best policy. तो बाय बाय।